नंबर 13 जो है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना। ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है जिसमें हमें गैस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले गैस के बारे में बात कर देते हैं। गैस का नो ऐसे लिख देता हूं ना, नो फिक्स्ड वॉल्यूम नो शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम नो शेप। तो जो गैस होते हैं उनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप। आप जिस कंटेनर के अंदर उसको रखेंगे वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है या कर लेता है ना। जैसे अगर मैं एक रूम के कोने में ना परफ्यूम छिड़क दूं तो वो परफ्यूम की जो खुशबू है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, मतलब पूरे कमरे में जो व्यक्ति बैठा होगा उसको भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना। भले ही हल्की इंटेंसिटी में आए लेकिन खुशबू सी तो आ जाएगी, है ना। तो क्योंकि उसका जो क्या होता है, गैस को अगर हम कहीं छोड़ दें, मान लो परफ्यूम की डिब्बी में एक परफ्यूम है, मैंने हल्का सा क्लिक करा और वो परफ्यूम जो है पूरा जो है कमरे में फैल गया, ठीक है। शेप भी कोई फिक्स नहीं होती, है ना, ये तो पता होगा। वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो अगर हम इनकी बात करें तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर लिक्विड में थोड़ा वीक और गैस में सबसे वीक। गैस को जो स्टडी करना है हम लोगों को दो पार्ट में स्टडी करना होता है, एक जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल मान के स्टडी करते हैं गैस को एक, और एक हमें पढ़ना है यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG। इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में, है ना। चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गे-लेसार्स लॉ, ये सारे लॉ चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे जब आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिक्स में। अभी हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना, चैप्टर नंबर 13 की। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गैस की काइनेटिक थ्योरी को पढ़नी है। काइनेटिक मतलब मोशन वाली थ्योरी। आपको बताया, अगर किसी कंटेनर के अंदर मैं गैस को फिल कर देता हूँ, गैस को भर देता हूँ, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडमली इधर उधर चलते ही रहते हैं, है कि नहीं भाई। रैंडमली मूवमेंट होती रहती है गैस के मॉलिक्यूल में। तो अब अगर हम इसमें टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी रफ्तार पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, वो सारे वेरिएशन हमें देखने हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमें क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में स्टडी करना है गैस मॉलिक्यूल के, क्योंकि तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे ना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कुछ अजम्पशन है तो उन अजम्पशन को भी लिखना पड़ेगा। अजम्पशन फॉर KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सबसे पहला अजम्पशन है कि हमारे पास कोई भी गैस हो, हम गैस के मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि ये एक रिजिड स्फेरिकल बॉल है। ये मान लो एक रिजिड स्फेरिकल बॉडी है या बॉल मान लो। अरे बात समझ में, यस सर। एकदम कच्ची चाय थी भाई। तो देखो, एवरी गैस कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ईच मॉलिक्यूल इज परफेक्टली रिजिड स्फीयर। तो कहा गया कि हर गैस के पास मॉलिक्यूल होते हैं और जो वो मॉलिक्यूल होगा वो परफेक्टली रिजिड स्फीयर होगा, है ना। एक बात, दूसरी बात क्या है इसमें कि हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस मूव्स इन ऑल डायरेक्शन विद विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी।
तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सभी डायरेक्शन में चलते हैं, और मतलब कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, जीरो टू इंफिनिटी तक। कहा जाता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी रफ्तार फिक्स नहीं होती, मॉलिक्यूल की रफ्तार चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी संख्या में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब उनकी मूवमेंट हो रही होती है तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से रफ्तार बदलती रहती है। ठीक है, तीसरी बात, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो मॉलिक्यूल का साइज उनके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब ये, अगर मान लो ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल का साइज जो है मान लो रेडियस आर है, और इनके बीच की दूरी जो है मान लो वो डी है, तो मॉलिक्यूल ऑफ साइज आर इज वेरी वेरी लेस देन किससे होगा, डी से। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे हमें यह समझ में आता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर होते हैं, है ना, चिपके चिपके नहीं होते, दूर दूर होते हैं, इससे ये बात समझ में आती है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल देन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है सबको ये बात? अगली yes, बात yes, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस collide with each other as well as walls of container. तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो आपस में भी टकराते रहते हैं, और जिस कंटेनर में रखे हुए हैं उसकी वॉल से भी टकराते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। और कहा जाता है कि वो जो कोलिजन हो रहा होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये मैंने चार पॉइंट लिखे हैं, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी तीन चार पॉइंट और लिखा देता हूं, फिर अगले डेरिवेशन पे आते हैं। ले लिया सर। ठीक है भाई, साफ कर दो इसको। कृष्णा। यस सर। वैसे आज बोर्ड थोड़ा ठीक आ रहा होगा ना? बिल्कुल हाँ सर। हाँ, साइड भी सही है, एस्पेक्ट रेशियो मैंने वो कर दिया ना फुल वाला। चलो भाई, अगला पॉइंट है पांचवा, और पांचवा पॉइंट ये है, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस moves in सीधा पाथ, मतलब straight path between two successive collision। दो लगातार collision के बीच में जो path होगा वो straight path होगा, which is known as, अभी समझाता हूं, which is known as free path, और उसको बोला गया free path, and arithmetic mean of free path is called mean free path। कहने का मतलब क्या, दो लगातार सक्सेसिव तो आप लोग समझते होंगे, सक्सेसिव मतलब लगातार, तो दो लगातार कोलिजन के बीच में जब मॉलिक्यूल का पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल आया इससे टकराया, पहला कोलिजन हुआ। फिर जब ये दूसरा कोलिजन करा इसने, तो जो इसने रास्ता तय करा यहां पर वो स्ट्रेट पाथ है, और उसकी लेंथ है मान लो लैम्डा वन। फिर जब ये इससे टकराया, फिर इसने जब तीसरा कोलिजन करा, दूसरे के बाद तीसरा सक्सेसिव कोलिजन, तो इसमें इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट है।
तो इसको लैम्डा टू मान लो, फिर जब इसने यहाँ पर कॉलिजन करा मान लो, तो ये लैम्डा एन हो गया। तो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलेगा। और जो हमने पाथ लेंथ ये जितनी भी लिखी है, इसका अगर मैं मीन निकाल दूं, अर्थमेटिक मीन ऐसे करके, तो ये जो आएगा मेरे पास, ये मीन फ्री पाथ होगा। इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ लैम्डा को, ठीक है। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है। ये कॉलिजन हुआ इन दोनों के बीच में जब पार्टिकल सीधा चल के आया, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में पाथ ऑफ मॉलिक्यूल विल बी स्ट्रेट, है ना। छठा, टाइम टेकन बिटवीन कॉलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो समय लगेगा, टाइम टेकन बिटवीन कॉलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। ये भी एक्सपायर हो गया लग रहा है मार्कर। तो टाइम टेकन बिटवीन कॉलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, मान लो ये ए है ये बी है, कोई सी मॉलिक्यूल आता है, ये रस्सी है ना, ये सी मॉलिक्यूल ए से टकराता है, मान लो वो टाइम हुआ जीरो पॉइंट, मान लो वो टाइम हुआ मेरे पास टाइम ऑफ कॉलिजन, है ना, सिंपली तो इसको यही बोलेंगे। अब जब ये यहां से टकराने के बाद फिर बी से टकराएगा, अब ये सी आया और ये बी से टकराया, तो जो समय लिया वो टाइम ऑफ सक्सेसिव कॉलिजन हो गया, टाइम ऑफ सक्सेसिव कॉलिजन। तो सक्सेसिव कॉलिजन का जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिटवीन एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन कॉलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो जब सी ए से टकराया तो ये टाइम लिया, जब सी बी से टकराया तो ये टाइम लिया, तो लगातार कोलिजन के बीच में जो समय लिया जाता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो दूर दूर होते हैं, तभी तो समय लगता है ज्यादा दूसरे तक पहुंचने में। अगली बात समझ में? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसका ये पार्ट में इतनी थ्योरी थी, कितने हो गए, छह हो गए ना। बुकों में ये पार्ट थोड़ा सेपरेट करके करेंगे तो एक आध पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना वो इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस टॉपिक को ना आप लोगों को दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेनी है तो समझ में आएगा, है ना। पीयूष, प्रियांशु, प्रियांशु या क्या नाम है, आशीष, प्रियांशु का नाम क्या है पूरा? प्रियांशु बेलवाल। ठीक है फिर। तो अब जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ, प्रियांशु आज लेट आया वैसे तो यार, अरे इंक कहाँ गई है, एक मिनट बोले। चलो भाई इसको साफ कर देता हूं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा प्रेशर वाला। अब ये जो डेरिवेशन बताने वाला हूं, पहले तो इस डेरिवेशन को सीधा सीधा आप लोगों यहां से जितना समझ में आए समझ लेना, उसके बाद दो तीन बार प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा, ये पक्का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फिल्ड इन ए क्यूबिकल कंटेनर। जैसे जैसे मैं बोलूं फिलहाल याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं सीधे सीधे कराते जाऊंगा, आप समझते जाना जो जो मैं बोलता जाऊं। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है क्यूबिकल कंटेनर के लिए, एक क्यूबिकल कंटेनर है उसमें
गैस भरी हुई है और उसके द्वारा कितना प्रेशर लगेगा वो हमें निकालना है। बहुत आसान डेरिवेशन है, ध्यान से समझना, है ना। बस होगी ना, कुछ कुछ चीजें जो ऐसी है जो नई नई है तुम्हारे लिए, इसलिए मुश्किल होगी, वरना तो आसान होता है। तीन स्टेप होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले तो देखो ये क्यूबिकल कंटेनर है, तीन स्टेप याद रख लो, हो जाता है वैसे तो। ये क्यूबिकल कंटेनर है, इस क्यूबिकल कंटेनर की भाई ये वॉल्यूम ऑफ कर लो ना, ये दो वॉल है, अपोजिट वॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपोजिट वॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये है वॉल नंबर वन, ये है वॉल नंबर टू, ठीक है। इसकी हर साइड एल है तो ये सेपरेशन एल हो गया। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, लेकिन हम एक ही मॉलिक्यूल बनाएंगे ये रहा। अब ये मॉलिक्यूल की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक्स वाई जेड। तो जो मॉलिक्यूल है वो रेंडमली मूव करता है ना एक्स वाई जेड तीनों में, तो जो वेलोसिटी लिखोगे उसकी एक्स वाई जेड तीनों की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर एन, कैपिटल एन है ना, मॉलिक्यूल ऑफ गैस फिल्ड इन क्यूबिकल कंटेनर, इतना लिख लिया हमने। अब क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है अभी तक जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें पता होता था एक बॉडी है, दो बॉडी है, तीन बॉडी है, कार है, ऐसे एक एक दो दो बॉडी के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब जो हमारे पास है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर इस कंटेनर के अंदर पूरे में गैस भरी हुई है तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसलिए सबसे पहले क्या करा जाता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स है रुके हुए नहीं है, एक समस्या ही है, और अगर रुके हुए थे तो आसान रहता हमारे लिए। पर एक बात फिक्स है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस कंटेनर के अंदर, इसके वॉल्यूम के अंदर है। अरे बस समझ में, तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एन, और एन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हमारे पास, कैपिटल एन। वॉल्यूम कितना हो गया, वी। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, है जी एन क्या है, कौन सा एन, ये एन, हाँ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अलग होता है, बोलते क्या है इसे, इसका वैसे कोई नाम नहीं है, बोल सकते हो यार नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोल दो, या तो अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी में फिर वो मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन हो गया, ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता यार इसका, बोलो सही है क्या। पर आप ये मत कहना कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, ओके सर, क्या मेरी बात, सर नंबर ऑफ मोल्स को भी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, पर लेकिन उसमें मैं कंडीशन बताऊंगा कि कब आप लिख सकते हो, है ना, इसको नंबर ऑफ मोल्स के बराबर कब रखा जा सकता है मैं बता दूंगा। पर ये अभी केवल आप ये मानो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो एम है मान लो, तो टोटल मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस। भाई सुनो, अगर एक मॉलिक्यूल का मास एम है, अरमिश तुम्हारी क्लास अभी नहीं है वैसे, है ना, और अगर ये वाले टाइम पे लेनी है तो फिर भी आज लेट हो, तो टोटल मास ऑफ गैस, अगर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है और ऐसे एन मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, तो टोटल मास जो हो जाएगा गैस का वो हो जाएगा कैपिटल एन इंटू में स्मॉल एम। कैपिटल एन की वैल्यू मैंने नल करके निकाली हुई है पहले से, तो एन ए एल इंटू में एम, एन इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन करना फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं पहले मैं, क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल के लिए करूंगा तभी तो आगे उसके लिए निकाल पाएंगे, तो वन मॉलिक्यूल के लिए, तो वन मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर, जो ये वॉल मॉलिक्यूल जाता है यहां से एम मास वाला,
वी एक्स डायरेक्शन में और जाके इससे टकराता है और टकरा के फिर वापस आता है। तो जब इस तरफ जा रहा है तो अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो जब टकरा के आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो जाने वाला और आने वाला स्टेप क्या क्या है अब सुनो। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल का। चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम हो जाएगा फोर्स। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फिर फोर्स अपॉन में एरिया प्रेशर। ये तीन बातें याद रखनी है बस हमें। तो फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा फाइनल वाला मतलब टकराने के बाद वाला। टकराने के बाद इसकी रफ्तार नेगेटिव है तो मोमेंटम भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस एम वी एक्स, माइनस इनिशियल वाला। इनिशियल वाला पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा एम वी एक्स। तो देखा जाए तो माइनस टू एम वी एक्स हो गया, ये माइनस का टू एम वी एक्स हो गया। ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है ये एक मॉलिक्यूल का आया है। अब इस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम अगर माइनस टू एम वी एक्स है तो ये इसका मतलब ये हुआ जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम में चेंज आया है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल कितना लगाएगा दीवार पे वो निकाल लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वॉल बाय मॉलिक्यूल। थोड़ा सा समझना इसको, मतलब कहने का ये कि जो मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज अगर माइनस का है तो जो दीवार पे इसने लगाया होगा वो प्लस का होगा। सही है क्या भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई। Yes, भाई सीधी सी बात है, अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम माइनस टू एम वी है तो सीधी सी बात है, याद रखो जो मॉलिक्यूल ने दीवार पे लगाया होगा वो प्लस हो जाएगा बस। ठीक है जी, अब देखो जरा तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर, टू एम वी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट पहले वाला जो आया ना उसी को मॉड में यूज कर लेना, उसी को आप क्या कर सकते हैं मॉड में यूज कर लेना। इसके बाद अगला आते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया, देन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। तो पूरे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए मोमेंटम में कितना बदलाव आया तो उसको मैं मान लेता हूं डेल्टा पी, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा पी वन। ठीक है जी, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम जो एन मॉलिक्यूल्स का है, तो एक मोमेंट, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है दीवार पे, तो एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा एन से मल्टीप्लाई कर दो तो एन इंटू में डेल्टा पी वन। तो एन एज इट इज, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही एन ए एल इंटू में एम, एन ए एल इंटू में एम इंटू में चेंज इन मोमेंटम कितना है मेरे पास टू एम वी एक्स, तो इंटू में टू एम वी एक्स। सही है भाई, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया जो वॉल का हुआ मॉलिक्यूल के द्वारा, है ना। अब क्या करना है वो सुनो बड़े ध्यान से, ये एक लाइन लिख रहा हूं इसको ध्यान रखना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑन अ वॉल डेल्टा टी है। कहने का मतलब ये, देखना जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल यहां से गया इस पर टकराया, टकरा के वापस यहां आया तो उसका टाइम है डेल्टा टी। फिर रिपीट कर दो, मॉलिक्यूल गया इस दीवार पर टकराया और टकरा के वापस आ गया इस पर तो उसका टाइम लगा डेल्टा टी। तो बच्चों बताओ मेरे को, अगर यहां से गया और वापस इसी वॉल पे दोबारा जब टकराया तो टाइम डेल्टा टी है, तो जाने जाने का केवल कितना हो जाएगा डेल्टा टी बाय टू, डेल्टा टी बाय टू हो जाएगा। और जाने जाने में कितनी दूरी तय करी होगी उसने, एल एल।
तो देन अब आप इतना सा लिख लें, देन एल जो कि डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है वी एक्स, और टाइम हो जाएगा डेल्टा टी बाई टू। एक सेकंड रुको, मैं मार्कर दूसरा निकालू या तो, या फिर इसमें इंक डालता, एक मिनट रुको भाई। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को भाई? एल दूरी तय करने में तो डेल्टा टी बाई टू हो जाएगा ना टाइम। अब क्या करना है, केवल इस L की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, बस होने वाला है। ले भाई इसमें इंक भी नहीं निकल रहा। देखो भाई, तो अब मेरे को इस L की वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ पे, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा 2 m Vx इनटू में A इनटू में कितना n, तो हो गया स्मॉल n, ये आ गया ठीक है। L की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो L कितना हो जाएगा बताओ, Vx इनटू में डेल्टा T बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, Vx का Vx स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा m इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू में a इंटू में n। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी न्यूटन के सेकेंड लॉ से हो जाएगा हमारे पास फोर्स, बराबर हो गया m वी एक्स स्क्वायर इंटू में a इंटू में n, a भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया बराबर m इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू में n, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ले लिया सर। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 मिनट, थोड़ा सा और एक अजम्पशन है छोटा सा, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो गया, तो प्रेशर आ गया m इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू में एन। कुछ नहीं करना, ना कुछ सोचना ना समझना, जैसे बोलो वैसे कर लेना। क्या करना है देखो, लिखना एज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन रैंडम मोशन, इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल जो है गैस के वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, और एक जैसी रफ्तार से नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी एक्स स्क्वायर को बराबर ले लेंगे वी एक्स स्क्वायर का मीन। वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे हम, वी एक्स स्क्वायर का मीन। और क्योंकि ये सारा का सारा हम एक ही टेम्परेचर पर, एक ही टेम्परेचर पर है पूरी गैस, इसलिए क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर का मीन बराबर लिख देना वी वाई स्क्वायर का मीन बराबर वी जेड स्क्वायर का मीन बराबर सी स्क्वायर बाई 3। इतना लिख देना, कोई कुछ नहीं पूछेगा पेपर में डेरिवेशन में, मैं भी समझाऊंगा इस डेरिवेशन के बाद कि ये कैसे आता है। तो वी एक्स स्क्वायर की जगह ले लेंगे वी एक्स स्क्वायर का मीन, वी एक्स स्क्वायर का मीन बराबर होगा वी वाई स्क्वायर का मीन, वी जेड स्क्वायर का मीन बराबर सी स्क्वायर बाई 3। तो पी बराबर हो गया एम इंटू एन इंटू सी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब यहां पर स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो पी बराबर हो गया एम इंटू कैपिटल एन अपॉन में वी सी स्क्वायर बाई 3। एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैपिटल एन इंटू में स्मॉल एम बराबर हो जाएगा कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब होगा यहां पर मास ऑफ गैस। तो पी बराबर आ गया एम मास ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम बराबर हो जाएगा डेंसिटी।
तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 1/3 रो सी स्क्वायर। भाई इतना बड़ा है, सबसे बड़ा डेरिवेशन है इस चैप्टर में, 1/3 रो सी स्क्वायर। अब मेरे को तो इसलिए याद है क्योंकि कई बार कर रखा है, आप लोगों को इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो कम से कम 3 बार इस डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने करा है। अब मैं हर चीज समझा दूंगा, मतलब जैसे ये जो है ये था थोड़ा नई चीज, इसको मैं समझाता हूँ, इसको साफ कर दूं प्लीज। हाँ इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मेरी बात मानो और आ जाएगा, ऐसा नहीं आता, आ जाएगा आराम से, साफ कर देता हूँ इसको, है ना। अब देखो जरा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि जो गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग अलग रफ्तार से चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीड लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल की, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको आरएमएस स्पीड बोल सकते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आरएमएस स्पीड, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अगर मैं आरएमएस स्पीड बोलूंगा तो आप समझ जाना आरएमएस स्पीड। अब ये क्या करा जाता है, क्योंकि हमारे गैस के मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल में चल रहे हैं, मतलब एक्स में भी चल रहे हैं, वाई में और जेड में चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आरएमएस स्पीड को लिखा जाता है वैसे अंडर रूट में, वी एक्स स्क्वायर का मीन प्लस में वी वाई स्क्वायर का मीन प्लस में वी जेड स्क्वायर का मीन अपॉन में 3। यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, एन लिखता हूं पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अच्छा एक सेकेंड इसको यहां से समझा देता हूं, एक और सेकेंड रुक जाओ बस। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, ऐसे समझा दूं, ये इसकी रफ्तार है मान लो, इसकी वेलोसिटी है वी, फिलहाल ये मान लो, ये कितना है यहां पर वी एक्स, ये कितना है वी वाई, ये कितना है वी जेड, ठीक है। अब अगर आपको इसकी वी की वैल्यू लिखनी है, ये वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हो गए ना, तो वी वेलोसिटी लिखी जाएगी कितना, वेक्टर का निशान है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे लिखा जाएगा एक मॉलिक्यूल का। तो अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये आ जाएगी अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर प्लस में वी जेड स्क्वायर। अब ये हो गया, लेकिन हमें तो ये पता है कि जो मॉलिक्यूल है जो एक्स डायरेक्शन में भी चल रहे हैं वो कांस्टेंट रफ्तार से नहीं चल रहे, जो केवल वाई में चल रहे हैं वो भी वाई में तो चल रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रफ्तार से नहीं चल रहे। तो अगर हम पूरी गैस के लिए बात करें, हम फॉर गैस के लिए, तो अगर हम गैस के लिए लेते हैं पूरे के लिए, ये मॉलिक्यूल का है, वन मॉलिक्यूल का, तो पूरी गैस का जब लेते हैं तो ये जो वी है ना वी, इस वी को रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से, और ये जो वी एक्स दिख रहा है ना आपको वी एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं वी एक्स स्क्वायर का मीन, मीन ले लेते हैं यहां पर उसका, प्लस वी वाई की जगह ले लेते हैं वी वाई स्क्वायर का मीन, प्लस वी जेड की जगह ले लेते हैं वी जेड स्क्वायर का मीन, जब गैस के लिए लिखते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसलिए मीन लिया जाता है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये सी है अंडर रूट में, तो अंडर रूट इधर आएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वी एक्स स्क्वायर का मीन हो गया प्लस वी वाई स्क्वायर का मीन प्लस में वी जेड स्क्वायर का मीन। लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या, कि अगर हमारे पास कोई गैस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जितने मॉलिक्यूल की रफ्तार एक्स डायरेक्शन में होगी उतनी ही रफ्तार वाई में होगी, उतनी ही रफ्तार जेड में होगी। ये आएगा आगे चल के, मान लो हाफ चैप्टर में आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी रफ्तार एक्स में होगी उतनी ही वाई में होगी, उतनी ही जेड में होगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब अगर मैं ये कंडीशन डाल दू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो वी एक्स स्क्वायर का मीन बराबर वी वाई स्क्वायर का मीन, ये केवल आपको समझाने के लिए ये हो जाएगा बराबर। अब अगर इन तीनों को बराबर करता हूं यहां से, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर का मीन, वी वाई की जगह हो जाएगा कितना वी एक्स स्क्वायर का मीन प्लस में
वी जेड स्क्वायर का वी एक्स स्क्वायर का मीन, एक दो तीन तीनों को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा सी स्क्वायर बाई थ्री। ऐसे करके तो मैंने ये वाली वैल्यू ली है ना, वी एक्स स्क्वायर का मीन बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बाई थ्री। अब एक और बात बताता हूं, अब अगर इस फॉर्मूले को ओपन करा जाएगा ना, अगर इस फॉर्मूले को ओपन करा जाएगा तो इतना बड़ा लिखा जाता है इसको, आपको कोई पूछता नहीं है ना कहीं जरूरत पड़ती इसकी। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, कैसे लिखोगे, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, मतलब जो एक्स वाली वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का मीन, जब भी मीन निकालते हैं तो एन से डिवाइड कर देते हैं, तो सारी वेलोसिटी का स्क्वायर करके एक्स वाली का जोड़ के और उसको एन से डिवाइड करा। फिर वी वाई स्क्वायर का मीन अगर आपको खोलना है तो इसका मतलब क्या होगा, वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर प्लस में वी एन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये तुम्हारा वी वाई स्क्वायर का मीन ओपन हो गया। फिर वी जेड स्क्वायर का मीन खोलना होता है, इतना बड़ा लिखा जाता है, उस सबसे बचने के लिए हमें वो याद रखना है, वी टू जेड का स्क्वायर प्लस वी एन जेड का स्क्वायर बाई एन। तो देख रहे हो ये जो पार्ट था ये वाला, ये वो इतना खोल के लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट इतना, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता यहाँ पर इतना। तो हर मॉलिक्यूल जो एक्स में चल रहे हैं उनकी रफ्तार का स्क्वायर करो, एन से डिवाइड करो, फिर जो वाई में चल रहे हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल उनकी रफ्तार का स्क्वायर लो, ऐसे पता करना तो हमारे बस की बात नहीं है ना, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, अब ये कैसे पता करेंगे कितने, अब मान ले एक करोड़ मॉलिक्यूल है, दस करोड़ मॉलिक्यूल है, अब हर मॉलिक्यूल के बारे में देखा जाए एक्स में कौन कितनी रफ्तार से चल रहा है, तो ये सब यूजलेस है हमारे लिए। पर इसलिए हमें क्या याद रखना है, पूरी गैस की रफ्तार याद रखनी है, सी एवरेज निकाल देते हैं उसका। क्लियर है ये बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यस सर डाल दो, और फिर एक और बार फिर ये डिस्कस होगा आगे जाके, परेशान होने की जरूरत नहीं दारिश। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। अच्छा जी, अगले टॉपिक है हमारे पास, और ये दो नंबर का डेरिवेशन होता है, सिंपल सा एक रिलेशन होता है, एग्जाम के अंदर ही आता है दो नंबर में, क्या रिलेशन होता है वो बताता हूँ आपको। अब जो चलता जाएगा अब कोई इतना लेंथी नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो भाई रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन। अब आपको पता है प्रेशर बराबर होता है वन बाई थ्री रो सी स्क्वायर, रो बराबर होता है मास ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस, तो पी बराबर हो गया एम सी स्क्वायर अपॉन में थ्री वी। ये थ्री को ऊपर ले जाओ तो ये थ्री पी बराबर हो गया एम सी स्क्वायर अपॉन में वी। राइट साइड में दो से मल्टीप्लाई कर दो और दो से डिवाइड कर दो, राइट में दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दो, और ये जो मल्टीप्लाई वाला है इसको ले जाओ नीचे, कितना हो गया थ्री पी बाई टू, यहाँ कितना बचा हाफ एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन में वी। हाफ एम वी स्क्वायर जैसे आप पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हाफ एम सी स्क्वायर हो गया, सी यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्पीड है कि गैस की, गैस की, गैस की, आ गई बात समझ में, यस सर। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, क्योंकि हमने एवरेज करके तो निकाला था ये सी की वैल्यू, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना आ गया 3p by 2 काइनेटिक एनर्जी एवरेज अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पर e से, तो e बराबर कितना आ गया 3p by 2, और बच्चों इस e को बोलते हैं हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस,
तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर 3P/2। कंपटीशन के अंदर नीट जैसे एग्जाम के अंदर ये जो रिलेशन है ना डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा गैस के लिए। तो आपको याद रखना है एनर्जी डेंसिटी बराबर 3P/2 होता है। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अगली बात समझ में। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर का ये रिलेशन होता है। एक टॉपिक आता है पेपर में लिख के, क्या इसको बोलते हैं? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में काइनेटिक यहां से वर्ड जो है इसका मतलब है मोशन। मतलब कहने का क्या है कि जो टेम्परेचर होता है यदि हम उसमें बदलाव करते हैं गैस के तो उसके मोशन पे क्या फर्क पड़ता है। अगली बात समझ में। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों को ये पढ़ना है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो मोशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले फॉर्मूला लिखना है P=1/3 ρC² where rho is the density and density is mass upon volume of gas, mass of gas upon में volume of gas. Pressure बराबर हो जाएगा 1/3 m/v into में C² ये PV इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा mc² / 3। पर PV बराबर हम लिख सकते हैं small n into में r into में t। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो स्मॉल n के लिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ म्यू लगा देता हूँ यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को बताओ? n से क्या होता है ना बच्चे को लगता है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स है और पहले वाला भी नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर म्यू लगा दिया। सही है क्या? यस सर। ठीक है तो अब PV इक्वल टू हो गया म्यू इंटू में आर टी बराबर m इंटू में c² / 3। तो c² आ गया 3 म्यू आर टी अपॉन में m। तो भाई अगर मैं गैस का टेम्परेचर चेंज करता हूं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आता, आर गैसेस कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, मास में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, जो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार है, जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात गैस की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कुछ? यस सर। तो यहां से हमें ये सीखना था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उनकी रफ्तार है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो गैस की, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमें रिलेशन ये पता चल गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो सी है स्पीड ऑफ गैस जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? दिस रिलेशन इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। पेपर में अब कैसे पूछा जाता है वो बता देता हूँ। पेपर के अंदर आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा derive expression for kinetic interpretation of temperature. Clear है क्या? Yes sir. या फिर what is the kinetic interpretation of temperature? इसका screenshot ले लो एक बार। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ले लिया सर। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से बच्चों। हमारे पास एक ही रिलेशन या एक ही फॉर्मूला होता है पूरे उसमें फिजिक्स के अंदर, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के ही काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको समझ सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ। हम जो यहाँ पर निकालने वाले हैं वो निकालेंगे, टॉपिक का नाम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मैं फिलहाल गैस के लिए यूज कर रहा हूं तो गैस लिख रहा हूं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस।
समझते हैं भाई, आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो सी स्क्वायर। रो डेंसिटी है और डेंसिटी बराबर होगा मास अपॉन में वॉल्यूम। प्रेशर बराबर हो गया 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ गैस को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल एम मास ऑफ गैस है, बराबर लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में स्मॉल एम। ठीक है, इसको वी को इधर ले जाओ तो ये पी वी बराबर हो जाएगा 1/3 एम, एम की जगह हो जाएगा छोटा एम इनटू में एन इनटू में सी स्क्वायर। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या है तो बताएं। तो अब मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं वो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन एन की जगह मैं म्यू यूज कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी। तो पीवी की वैल्यू यहां रख दी मैंने म्यू इंटू में आर इंटू में टी बराबर 1/3 एम इंटू में एन इंटू में सी स्क्वायर। अच्छा जी, अब एक बात और बताता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स एन को लिखा जा सकता है, जिसको नहीं पता याद रख लेना और जब गैस पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा आइडियल वाले में। म्यू नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एम है, एवोगाड्रो नंबर एन ए है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो यहां पर म्यू की जगह कितना हो गया एन अपॉन में एन ए इंटू में आर इंटू में टी बराबर 1/3 स्मॉल एम इंटू में एन की जगह एन रहने देता हूं और साथ में सी स्क्वायर। अब देखो एन से एन कट जाएगा, एन से एन कैंसिल। अब यहां पर आर अपॉन एन ए होता है के बी, के बी मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बी ओ एल टी जेड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, तो आर अपॉन एन ए हो गया के बी। तो यहां पर आर अपॉन एन ए की जगह हो गया के बी टी, ये थ्री भी इधर ले आया मैं, तो एम इंटू में सी स्क्वायर बराबर 3 KBT आ गया। राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला है उसे नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हाफ स्मॉल एम इंटू सी स्क्वायर बराबर 3/2 KBT। मैंने एक एक स्टेप करा इसलिए शायद लग रहा हो आपको इतना बड़ा है, पर बहुत आसान होता है वैसे तो। तो ये हाफ इसके नीचे रह गया एम सी स्क्वायर के, 2 ऊपर वाला नीचे आ गया, हाफ एम इंटू में सी स्क्वायर। बताओ यहाँ पर सबसे पहले तो ये एम का मतलब क्या है, मास ऑफ गैस या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सबको ये बात समझ में आ गई क्या? इस एम का मतलब मास ऑफ गैस नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर कन्वर्ट करके दिखा दिया था कि यहाँ पर देखो ये रहा है ना, स्मॉल एम का मतलब समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो भाई, मुंह से बोला करो ना तुम लोग। यस सर। Yes, इसी वजह से तुम्हारी वीडियो में डालते नहीं, क्योंकि तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बहुत शर्मीले हो ना तुम लोग। ठीक है, तो भाई अब मेरे पास इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आई है ये वन मॉलिक्यूल की आई है, तो इसको अब क्या लिखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। पर मतलब एक के लिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होगी 3/2 KBT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होती है 3/2 KBT। अब ये रिलेशन आप हर तरह के मॉलिक्यूलर मोशन में अप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर की बात आती है। तो हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा था सॉलिड जब हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैंने बोला था जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तो वो यही तो है, यहीं से तो आता है वो रिलेशन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
बराबर होता है 3/2 KBT, where KB is Boltzmann constant and KB is equal to R upon में NA, where R is the gaseous constant and NA is Avogadro number. सही है भाई? Yes sir. अब इतना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना फिजिक्स से अभी, है ना? बाकी प्रैक्टिस का काम है सबसे. R मतलब gaseous constant, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी करके बोला जाता है, है ना? PV is equal to NRT वाले में R गैसेस कांस्टेंट होती है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यस सर. ठीक है, तो KB की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, वैसे आपको बुक में मिल जाएगी. KB बराबर होता है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर, ये यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, तो KB आ जाएगा ये जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन ही हो जाएगा ना KB. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जूल हो गई, KB आ गया उधर T नीचे. हाँ मेरे ख्याल से ही होने चाहिए. अरे सही है ना? यस सर. एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT, ये ठीक है. ठीक है, म्यू तो नहीं कहीं रह रहा, सब ने बट गया ना. ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई. हो गया क्या? यस सर. यस हो गया. ठीक है भाई, तो ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का डेरिवेशन था, जिसमें हमने 3/2 KBT वाला रिलेशन पढ़ा है. इस वाले डेरिवेशन को याद रखना है हम लोगों को भी, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई. इसके बाद आगे हमारे पास जो आएगा वो पार्ट है, इसमें वो पार्ट है हमारे पास जो आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लेसैक्स लॉ, ये सब पढ़े हुए ना, इनका प्रूफ करना है. तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ उसको मैं, क्योंकि उसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है. सही है, कर दू इसको साफ? यस सर. ठीक है जी, तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम ऐसे लिख देता हूं मैं, ऑब्टेन आइडियल गैस लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का प्रयोग करके हमें आइडियल गैस के लॉ को ऑब्टेन करना है ना. तो एक यहां लिख देता हूं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, है ना? फिर गे-लेसैक्स लॉ भी यहां लिख देता हूं. तो एवोगैड्रो वाले में जगह ज्यादा चाहिए, तो देखो चार्ल्स लॉ ई आएगा नहीं आएगा वो देख लेना. फिर बॉयल्स लॉ, फिर गे-लेसैक्स लॉ. अच्छा, बॉयल्स लॉ में क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. और गे-लेसैक्स लॉ में वॉल्यूम, यही होता है क्या? ठीक है, तो अगर इन तीनों को हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है देखो जरा. आपको पता है फ्रॉम KTG हमने पढ़ा है प्रेशर बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर. सही है क्या? 1/3 रो सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया सी स्क्वायर बराबर हो गया, सी स्क्वायर बराबर हो गया 3P अपॉन में रो, है ना? प्रेशर बराबर, अच्छा इसको लिख तो लू पहले, मास अपॉन वॉल्यूम सीधे लिख देता हूँ, M/V इंटू में सी स्क्वायर. PV को एक तरफ कर लो, सी स्क्वायर को एक तरफ कर लो, तो 3PV अपॉन में M. ठीक है बच्चों, M कांस्टेंट रहेगा, 3 कांस्टेंट रहेगा. अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लें, भाई यही तो बोल रहे हैं कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो, भाई M तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट. तो अगर प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लें, सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? V के. लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो सी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है,
सही है क्या? इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि टी प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नहीं समझ में आया ये? समझ गया सर। सी स्क्वायर की जगह टी प्रोपोर्शनल का अभी तो करा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में, तो सी स्क्वायर की जगह टी हो गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे फ्रॉम केटीजी। एक नंबर का दो नंबर का टॉपिक है ये, इनमें से एक आएगा। 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू में सी स्क्वायर। भाई इसको यहां ले जाता हूं मैं, ठीक है? नहीं, इसको यहीं रखते हैं। देखो जरा, एम क्या है यहां पर? मास कॉन्स्टेंट। थ्री क्या है यहां पर? कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सी जो होता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। और बच्चों अगर हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब सी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टी कांस्टेंट, तो सी भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर सी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, थ्री कांस्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? वी के। दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ। सही है क्या? यस सर। अब आ जाते हैं गिलिस्टक्स लॉ पे। भाई बच्चों प्रेशर बराबर होता है 1/3 एम बाई वी इंटू में सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर, देखो जरा, सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ये हमें पता है। तो अगर एम कॉन्स्टेंट है, थ्री भी कॉन्स्टेंट है, अगर हम गैस का वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट कर दें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, therefore p is directly proportional to t। बोलो समझ में आया कुछ? यस सर। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर वॉल्यूम को भी चेंज ना होने दूं, ठीक है, तो p c के डायरेक्टली आ जाएगा c स्क्वायर के, और c स्क्वायर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी खत्म हो गया। अब कराता हूँ आपको एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ थोड़ा सा लंबा है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो हो गया क्या? बस थोड़ा मोल वोल का ध्यान रख लेना, कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो पढ़ा है वही अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कहता है ये आपको याद होगा, एवोगैड्रो लॉ कहता है टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, है ना? अगर हम दो अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम लें, है ना, ये वाली गैस और ये वाली गैस, समझना, ए बी मान लो, 1, 2 मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो। तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये 1 ये 2। तो 1 वाले का जो वॉल्यूम है अगर वो 2 वाले के बराबर है, मतलब इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम और इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर दो अलग अलग प्रकार की गैस का इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो यदि उन दोनों का प्रेशर सेम है और टेम्परेचर भी सेम है तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, देन N1 is equal, N की जगह mu यूज करता हूँ, μ1 बराबर हो जाएगा μ2 के। mu और μ2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सर जी N यूज, कंफ्यूजन हो रही है। क्या हो रही है? N लिख दो सर, mu से कंफ्यूजन हो रही है भाई। अब N लिखूंगा तो तुम आगे वाला फिर गड़बड़ कर दोगे, पहले ही पूछा था मैंने। फिर कई बच्चे कहते सर जो शुरू में N था वो भी नंबर ऑफ मोल्स था क्या, इसलिए मैं mu लिख रहा हूँ यार। वैसे ऐसा मैं नहीं लिख रहा, आजकल सीबीएसई भी यूज करती है म्यू। कई केमिस्ट्री वाले देख लेना, पीबी इक्वल टू म्यू आरटी दिखाएंगे। नहीं होता क्या? होता है सर, होता है। सही है भाई। हाँ तो पीबी इक्वल टू म्यू आरटी, तो म्यू याद रख लो क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं, तो सारे लोग याद रखना कि फिजिक्स वाले ने ऐसे पढ़ाया था तो हमें ऐसे पढ़ना है। चलो तो फिर रिपीट करता हूँ, एवोगैड्रो लॉ। इट इज स्टेट दैट equal volume of two gases at identical condition of temperature and pressure
contain equal number of moles? Number of moles या molecules? Number of moles. Moles equal to molecules. Number of moles same कर दूँगा तो number of molecules भी बराबर prove कर दूँगा मैं तो. अरे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर. है ना वो कर दूँगा क्योंकि number of moles क्या हो जाएंगे? Number of molecules upon में Avogadro number कट जाएगा Avogadro number. Molecules भी बराबर आ जाएंगे. Clear है ये बात? अभी करके दिखाता हूँ. अब सुनो भाई, इस वाली गैस के लिए बताओ प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ. पी वन बराबर 1/3 एम वन अपॉन में वी वन सी वन स्क्वायर लिख सकता हूँ. उस वाली गैस के लिए बताओ पी टू बराबर 1/3 डेंसिटी की जगह मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस सी टू स्क्वायर. अब अगर हमें पता है कि इन प्रेशर को अगर मैं बराबर रख दूं, है ना, तो P1 अगर बराबर है P2 के तो यहां से प्रूफ क्या होता है, 1/3 मास ऑफ वन वाली गैस अपॉन में वॉल्यूम C1 स्क्वायर बराबर 1/3 मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन में V2 इनटू में C2 स्क्वायर 1/3 कैंसिल. एक और बात सुनो बड़े ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर तो सेम कर दिया मैंने, वॉल्यूम भी तो सेम लेना है, तो ये वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो गए. बचा कितना, m1 मास ऑफ गैस इनटू c1 स्क्वायर m2 इनटू में c2 स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो फिलहाल, सही है क्या. अब आपको पता होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होता है 3/2 KBT, है ना, और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ स्मॉल m इंटू सी स्क्वायर बराबर 3/2 KBT, सही है क्या. अब आप खुद से सोच के देखो, अगर इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, अगर इन दोनों का देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 KBT होती है, 3/2 कांस्टेंट होता है, KB कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है. आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है तो आपको ये नहीं लगता कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम हो जाएगी भाई, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, KB कांस्टेंट, T कांस्टेंट, अगर दोनों के लिए ये सेम हो जाएगा तो ये भी तो सेम हो जाएगा. यस सर. यस, तो इसका मतलब हाफ एम वन C1 स्क्वायर बराबर हाफ M2 C2 स्क्वायर, दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये M1 इंटू C1 स्क्वायर बराबर M2 इंटू C2 स्क्वायर, ये बराबर हो गया सेकंड इक्वेशन, सही है क्या जी. ऊपर भी तो यही प्रूफ किया. यस सर. ऊपर क्या यही तो प्रूफ. अच्छा सॉरी, वहां पे मास ऑफ गैस है ना, ये मॉलिक्यूल का मास है. अच्छा तो फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, थोड़ी सी मेहनत है इसी वाले में, बाकी तीन तो मैंने एक ही साथ करा दिए. देख लो इसके राइट वाले को, मास ऑफ गैस C1 स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू C1 स्क्वायर बराबर मास ऑफ सेकंड गैस इंटू में C2 स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड गैस का C2 स्क्वायर. C1 स्क्वायर ने C1 स्क्वायर को मारा भाई, C2 स्क्वायर ने C2 स्क्वायर, तो M1 मास ऑफ गैस स्मॉल m1, m2 अपॉन में स्मॉल m2. अब याद करो अभी आपको पढ़ाया था मास ऑफ गैस लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो वन वाले के लिए क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है, एक मॉलिक्यूल का मास m1 अपॉन में m1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n2 है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल m2 है अपॉन में m2, m2 से m2 गया, m1 से m1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू के बराबर आ गए, सही है कि गलत है भाई. यस सर. और आपको ये भी पता है, अगर आपको और आगे प्रूव करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर,
कैपिटल एन बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू माय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि म्यू वन बराबर आ गया म्यू टू के। इसका मतलब वन वाली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू वाली के बराबर होंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ टू गैस। ऐसा कब होगा? जब इनका वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो और प्रेशर भी सेम हो। समझ में आ गई ये बात? तो ये हमारे पास था एवोगाड्रोस लॉ। अब अगली वाली क्लास के लिए मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। अगली वाली क्लास में हमारे पास ये मान लो 80% के अराउंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर को कंप्लीट करा दूं, है ना, आज वाली क्लास में, क्योंकि एक दिन में ज्यादा खींचने का कोई फायदा नहीं, काफी कंटेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अगली क्लास के लिए टॉपिक बहुत छोटे छोटे रह रहे हैं। एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम रह रहा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी रह रहा है, सीपीसीवी गामा की वैल्यू रह रही है गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए, और उसके बाद आपका मेन फ्री पार्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही होगी? हाँ वो बताता हूँ मैं टाइम कितने बजे होगी ना, बाकी ऑनलाइन वाले। अरे एक सेकंड रुको, कल भी क्लास है, टाइम में इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, कल भी क्लास है। ठीक है भाई, ओके सर, कल का, हाँ ठीक है, चलो फिर ना अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके सर।